नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो पहला बजट पेश किया गया है, उस बजट में जो है पूर्णिया से बिदुपुर एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण की बात कही गई है। ये सुपर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण जो है वैशाली के बिदुपुर से होते हुए समस्तीपुर, समस्तीपुर से मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज होते हुए ये पूर्णिया तक आएगा। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि ये एक्सप्रेस वे जो बनने जा रहा है, इसके बाद से पूर्णिया का जो व्यवसायिक जो डेवलपमेंट होना है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। आपको बता दें कि पूर्णिया से पटना जाने के लिए जो है दो रूट है। एक रूट जो है खगड़िया और बेगूसराय होकर है, जो 306 किलोमीटर का दूरी सफ़र करना पड़ता है। दूसरी और अररिया फारबिसगंज होते हुए मधुबनी होते हुए पटना जाना पड़ता है, जो कि 366 किलोमीटर का दूरी सफ़र तय करना पड़ता है। वही जो अररिया रूट है उस रूट में 8 से 9 घंटे का सफ़र लगता है। वही जो है बेगूसराय और खगड़िया का जो रूट है वहाँ 7 से 8 घंटे का सफ़र लोगों को लगता है पटना जाने में। वहीं ये जो एक्सप्रेस वे जो बनने जा रहा है, इस में जो है आप लोगों को मुश्किल से 3 से 4 घंटे की दूरी सफ़र करना पड़ेगा और लोग पटना आसानी से पहुंच जाएंगे। और इसकी जो दूरी होगी मात्र 235 किलोमीटर की दूरी होगी। वहीं आपको बता दें कि ये सुपर एक्सप्रेस वे जो बनने जा रहा है, इसमें एग्जिट और एंट्री का पॉइंट मात्र 2 ही जगह बनाया गया है। इसी 2 जगह से जो गाड़ियाँ जो है वो निकल सकती है और आ सकती है। ये जो एग्जिट पॉइंट बनाया गया है ये सिमरी बख्तियारपुर के पास है। वही दूसरा एग्जिट पॉइंट जो है ये समस्तीपुर के दलसिंहसराय के पास है। यानी कि इसी दोनों जगह पर जो है इस रूट में गाड़ी आ सकते हैं, अदरवाइज दूसरी जगह से कोई भी गाड़ियाँ जो है इस रूट में घुस नहीं सकती है। ये जब एक्सप्रेस वे बनेगा, इससे मिथिलांचल वासियों को और कोसी वासियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये पटना से डायरेक्ट पूर्णिया आके जो एक्सप्रेस वे ये रुकेगी। आपको बता दें कि ये बिदुपुर से जो पूर्णिया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, वो एक्सप्रेस हाईवे पूर्णिया आके रुक जाएगा। और पूर्णिया में पहले से जो है पूर्णिया से मनिहारी होते हुए साहेबगंज तक एक हाईवे का निर्माण हो चुका है। बीच में जो मनिहारी में है जो एक पुल का निर्माण होना है, वो पुल का निर्माण होने के बाद जो है ये जो है एक्सप्रेस वे इसका कनेक्टिविटी जो है वो साहेबगंज से यानी कि झारखंड से हो जाएगा। और इसके निर्माण के बाद जो है जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सीमांचल से सटा हुआ नेपाल है और नेपाल के लोगों का आवागमन जो है ये सीमांचल के, और सीमांचल से कई जिलों तक का ये नेपाल के लोग भी यहाँ से सफ़र करते हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया में जो है रेल कनेक्टिविटी बहुत ही कम है। यहाँ पर लोगों को लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए या तो भागलपुर या कटिहार जाना पड़ता है। और ये एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यहाँ पर जो है बसों की भरमार होगी। यहाँ से जो है लंबी दूरी के लिए गाड़ियाँ, यहाँ से बस जो है वो खुलेगी। और यहाँ का जो परिवहन सिस्टम है उस सिस्टम से लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। रेल कनेक्टिविटी के अलावा यहाँ पर जो है वे अंतर्राष्ट्रीय बस हवाई अड्डे भी बनेंगे और यहाँ सीमांचल मिथिलांचल के लोगों को बहुत फायदा होगा।